सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनेतापहारिणे. So last time we began the chapter Narendra's meeting with Sri Ramakrishna. Thakur ke sath unki sakshatkar jo hua tha, how Thakur treated him extremely differently, itni pyar se khud khilaya, he didn't allow him to even eat, apna haath se jitni wo bol raha tha phir bhi zabardasti khilaya, itna tak nahi bahut kuch kaha. मैं जानता हूँ तुम कौन है, नर ऋषि नारायण इत्यादि इत्यादि. अंत में नरेंद्रनाथ सोचा है पागल है, ऐसे ऐसे बोल रहा है. लेकिन ही ऑल्सो कुड नॉट इग्नोर श्री रामकृष्णा एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड प्योर लव, इतना पवित्र प्यार. और ये सब देख के मन में बहुत उनका संशय हुआ, क्या देख रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है. And then you see, he was finally, उन्होंने ऐसे अंत में श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम अभी भी तुमको वचन देना है, जल्दी जल्दी तुम फिर वापस आओगे. तो निकल नहीं पाया, बोल के चले गए, लेकिन पड़े पड़े में व्यस्त हो गए. तो धीरे धीरे यहाँ शरत महाराज नरेंद्रनाथ की बचपन की सब कहानियाँ, कैसे कैसे क्या क्या करते थे, सब यहाँ लिखा है. ऑल दैट आई थिंक we know by and large. इतना ज़्यादा से फिर उनके उनके पिताजी के बारे में, देन उनके जे दादू दैट दुर्गाचरण नाग, सबके बारे में बहुत कुछ यहाँ लिखा है. हाउ नरेंद्रनाथ ऑल्सो हैड दिस फर्स्ट विजन, वो रायपुर जाते समय कैसे एक मधुमक्खी का ही देख के ही हैड बिकम कम्प्लीटली transfixed and it was his first experience of ecstasy. ये सब के बारे में कहा है, क्योंकि I think probably ऐसे नहीं है शरत महाराज, ये नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण देव के इस संपर्क के बारे में कहने के पहले किस तरह आधार नरेंद्रनाथ थे, what was the special background of नरेंद्रनाथ, यही हम लोग के समझाने के लिए उनका बचपन का ये जीवन का कहानी वहाँ से कुछ यहाँ लिखा गया. Probably wants us to understand what kind of a special Aadhar was Narendranath. So from the young age, how he was deeply inclined to a spiritual life, वही सब लिख लिख के फिर उन्होंने वही विवरण वही पकड़ लेते हैं. So normally कह रहे हैं, when individuals endowed with self-reliance and steadfast goals see greatness in others, they acknowledge it without hesitation and rejoice in their hearts. And if they need a great soul who possesses, meet a great soul who possesses an overwhelming majesty, they consider this deeply and their minds become amazed and enchanted for a time. But this cannot distract them from their goal and induce them to imitate their great soul. Sadharan, देखिए आप नरेंद्रनाथ जीवन में भी आप देखते हैं, यू आर सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, उनके जीवन में भी तो बहुत कुछ था. सो उन्होंने ऐसा व्यक्ति, कोई दूसरा अच्छे व्यक्ति, कोई भला व्यक्ति, महान व्यक्ति के साथ भेंट होने में तो ज़रूर उसका बहुत ही तारीफ कर रहे हैं, क्षण काल के लिए उसका प्रभावित भी हो सकते हैं आप कह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना लक्ष्य में अटूट रह के वही तरह उन लोग जाएंगे. दे डोंट digress or they don't give up their own cherished goals or pursuits, क्योंकि वैसे सशक्त आदमी हैं, उनका मन की शक्ति बल बहुत ही strong है. So naturally they don't easily swerve from their path. But in the case of Narendranath, this cannot distract them. The followers of such a one do not show the effects of the teacher's influence immediately. For this to happen, a long association, intimate companionship, etc. are required.
So Narendranath bhi Sri Ramakrishna ke dekha, pehli baar hi unki samajh mein aaya, ek bahut vishesh vyakti hai, mahan vyakti hai, inka tyag, inka pavitrata, inka prem, pyar, bahut hi ek abhavniya hai, isi koi ishwariya kuch bhav hai, it's not an ordinary thing. Phir bhi unhone bahut hi aisa अपना लक्ष्य में, अपना सिद्धांत में, अपना सोच में, विचार में इतना अटूट रहा, स्ट्रांग रहा. ही वॉज नॉट ईजिली स्वेड. उन्हें था ठीक है, मैं देखता हूँ क्या है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है मैं तुरंत अपना के बदल देता हूँ. डजेंट आई डोंट वॉन्ट टू कम्प्लीटली चेंज माई सेल्फ इमीडिएटली. वही करके उन्होंने कुछ दिन के बाद दोबारा उन्होंने आया. आई थिंक आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम, although Narendranath was fascinated by and attracted to the master's wonderful renunciation and saw that his thoughts and speech were in complete harmony, manmukh akura, he was not ready to accept the master as his life's ideal. Phir bhi unhone Thakur ke apna jeevan ke aadarsh roop mein manne ke liye taiyar nahi the. Kyun? Tab tak to bachpan se wo dheere dheere brahma samaj ke sath yukt the. Un log jaise मूर्ति पूजा ये सब नहीं मानते थे, एक सगुण निराकार ब्रह्म की मानते थे. ये सब लेके उन्होंने सोचा ऐसा ये सब नहीं, जो मूर्ति इसी पर इतने विश्वास करते हैं वही उनका भाव के साथ मेरा इतना संपर्क यही नहीं है. सो ही वॉज वेरी स्ट्रांग, ऑल्दो ही कुड सी क्लियरली दैट हियर वॉज अ पर्सन वॉज क्वाइट डिफरेंट, बट स्टिल ही वॉज क्वाइट स्ट्रांग इन हिज कन्विक्शंस. मास्टर्स यूनिक कैरेक्टर एंड बट ही डेफिनेटली put off fulfilling his promise to visit him again, concerned on his regular activities. The reason for the postponement was probably that the influence of his Western education had led him to the belief that Sri Ramakrishna was a monomaniac. वो तो ऐसा पागल है, इसलिए इतना जल्दी जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है बाद में जाऊँगा. तो he was not keen to go immediately, लेकिन अंत में दोबारा भी गया. सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट नरेंद्रनाथ न्यूमरस एक्टिविटीज बरीड ऑल थॉट ऑफ विजिटिंग दक्षिणेश्वर. देन फाइनली ही वेंट आफ्टर मंथ और आफ्टर हिज फर्स्ट विजिट नरेंद्र ने टू दक्षिणेश्वर अलोन एंड ऑन फुट, पैदल में वो चल पड़े. इतना दूर भी नहीं जानते थे क्योंकि वाराणसी में उनका कुछ मित्र रहते थे, उनके घर पर वो बीच बीच में जाते थे. वो सोचा उसका आस पास होगा, लेकिन वो कहाँ जाके उनके पता चला बहुत दूर गए, पूरे पैदल में जाके वहाँ पहुँच गए. श्री रामकृष्ण देव घर पे कोई नहीं थे. देन ही वॉज सिटिंग, क्या हुआ, बट वहाँ से आई अराइव दक्षिणेश्वर एंड वेंट स्ट्रेट टू द मास्टर्स रूम. आई फाउंड हिम सिटिंग डीप इन मेडिटेशन ऑन द स्मॉलर बेड दैट स्टैंड्स बिसाइड द बिगर वन. सो जो दूसरा जो कटिया वहाँ वो तकिया में वो बैठते, ही वॉज सिटिंग देर एंड ही वॉज मेडिटेटिंग. सो विनीसा नरेंद्र उसको बुलाया, बुलाई हाँ तो बैठो, ये बिस्तरा पे बैठो एक कोने में. ही वॉज सिटिंग एंड श्री रामकृष्ण गॉट अप एंड आके उन्होंने पाद पद्म उनकी छाती पर रखा. सो यू नो नरेंद्र हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट ही विल बी वेरी केयरफुल, ही विल नॉट अलाउ एनी अदर दिस थिंग करके. लेकिन उन्हें देख रहे हैं एक मुहूर्त के अंदर, एक क्षण काल के अंदर घर का सब चारों तरफ घूम रहा है, एवरीथिंग इज रीलिंग, द कार्ट, श्री रामकृष्ण, द वॉल्स, एवरीथिंग. इतना डर गए, अरे क्या कर रहे हैं, क्या रहे, मेरे तो माता पिता है घर पर, बहुत चिल्लाने लगा. देन इमीडिएटली अगेन श्री रामकृष्ण पुट हिज हैंड एंड सेड, अभी नहीं, बाद में होगा, धीरे धीरे होगा करके तुरंत उन्होंने संभाल दिया. सो ही वॉज शॉक्ड, मैं तो इतना अपना कि इतना शक्तिशाली सोचता था, मेरा इतना इतना दिमाग शार्प है, इतना मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इसके साधारण एक स्पर्श से क्या हो रहा है मेरा. सिंपली इज कम्प्लीटली टर्निंग मी अपसाइड डाउन बाय जस्ट इज मियर टच. सो देर वॉज नो वन. व्हेन ही सॉ मी ही जॉयफुली कॉल्ड मी. ही मटर्ड समथिंग टू हिमसेल्फ दैट ही कुडंट अंडरस्टैंड, लुक्ड हार्ड एट मी and then arose and approached me. I thought we were about to have another crazy scene. Scarcely had that thought passed through my mind when he placed his right foot on my body. Immediately I had a wonderful experience. My eyes were wide open
and I saw that everything in the room, including the walls themselves, was rapidly whirling around me and receding. At the same time, it seemed to me that my consciousness of self, together with the entire universe, was about to vanish into a vast, all-devouring void. क्या अपना अस्तित्व एक विशाल एक शून्यता की तरह जा रहा है? So he was completely losing his individuality. क्या कोई मर्जर ऐसा कुछ उसके साथ मिलना जोड़ना ऐसा कुछ मन में लग रहा है? That he will give up his individuality and maybe merge with something which is infinite and superior. Really, actually, what happened also, nobody knows. बाद में Sri Ramakrishna ने कहा क्या हुआ था? My eyes were wide open and I saw that everything in the room was rapidly whirling around me and receding. Unable to control myself, I cried out loudly, Ah, what are you doing to me? Don't you know I have parents at home? When the master heard this, he gave a loud laugh. Then he touched my chest with his hand and said, All right, let it stop now. It did not let it be stop now. It need not be done all at once. It will happen in its own time. To my amazement, the extraordinary vision vanished as suddenly as it had come. I understood. I returned to my normal state and saw things inside and outside the room standing as still as before. So, उन्होंने छाती पे स्पर्श किया, तुरंत वही सब इधर घूमना ये करना चक्कर सब बंद हो गया. Everything seemed stable, and it was just the whole thing happened within a few seconds. Although it has taken so long to describe this, it actually happened in only a few moments. And yet, it changed my way of thinking. I was bewildered and kept trying to analyze what had happened. I saw how this experience had begun and ended in obedience to the will of the extraordinary man. I had read about mesmerism and hypnotism in books, and I wondered if this was something like that. But my heart refused to believe that it was, for even people of great willpower can create such conditions only to weak minds. And my mind was by no means weak. In fact, up to then, I had been proud of my intelligence and willpower. Ordinary people are overwhelmed and becomes puppets under the influence of a great personality, but this man hadn't bewildered me or reduced me to that condition. On the contrary, when I first met him, I decided that he was mad. Why then should I have suddenly found myself in this state? I couldn't come to any conclusion. It seemed as utter mystery to me. Then I remembered the words of a great poet. There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy. I thought that this might be one of those things. After such reflection, I concluded this mystery could not be solved. I determined to be on my guard lest he exert more influence on me in future. So, Swamiji dekhe ek murt ke andar unka aisa prabhavit kiya, phir ek murt ke par dekh rahe hain waisi tha waisi kar diya. So, unhone is sab pehle socha hai kya kuch aisa kuch mesmerism, hypnotism aisa kuch hoga, kyunki iske bare mein koi kitab mein padha tha. लेकिन वो कह रहे हैं साधारण मिसमैरेज करने के लिए जिन्होंने कर रहा है उनका तो बहुत ही शक्तिशाली मन के प्रयोजन है, लेकिन जिसके ऊपर प्रयोग करेगा उनका तो एक दुर्बल मन होना चाहिए, तब तो ये सब काम करेगा.
So normally, you know, those who practice hypnotism, etc., they themselves have a little weak mind. So hamesha inko poochte hain kya hal hai, kaha hai, kya hal hai. Again, no, you are there. One can create one more of those upadevatas or koi upasana karne ke liye aisa kuch karna chahte the. So they will be asking again and again. So you know, in this case, he says that if a person can influence me like this in such a short time, I really was not able to figure out what was Sri Ramakrishna, what was his real nature, why is he doing like this. I think that I have a very strong mind. Only on weak minds such influences happen. So how can he do this to me? So it was a big mystery, and he was trying hard again and again how to get over it or how to solve it, but he was not getting any clue. Then, you know, he says somewhere in the scriptures it is given that dhati pe aur swarg pe bahut kuch hai aapke shastra, aapke shastra ki, aapke philosophy ki bahut hi uncha mein, peeche mein, baad mein, ant mein bahut kuch hai. That means, you know, what we know, all that we call as knowledge, what we understand is only a very little or infinitesimally small. Isliye Ramakrishna ji kehte hain na, aap kya ved vedant iske paar mein bhi bahut kuch hai. And also that is why he always used to say, Bhagwan ki aap kaise kah sakte hain, roop bhi ho sakta hai, aroop bhi ho sakta hai, dono ki paar mein bhi kitna ho sakta hai. So nobody can put a limit to all these things. But Narendranath was very determined. Next time again it will not happen. Ek baar to hua, teesri baar aisa nahi hone denge. Lekin ab to do baar ho gaya, dusri baar to pehle baar jo isse se zyada se zyada aashchary ho gaye dusri baar. So lele fir turant aana chahte the. Abhi main sachmuch bahut savdhan ho ke rahunga, samajh lunga kya wo kar rahe mere upar, is baar main pakad lunga. So he was this time more keen to come quickly because it was, the mystery was only getting deeper. Pehle jo tha usse bhi अभी फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है क्या बात है. नेक्स्ट वन आई थॉट हाउ कैन आई कंसिडर दिस पर्सन मैड वन यू इज एबल टू डिस्ट्रॉय द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ माई माइंड एट विल ए माइंड दैट इज एंडोव विद ट्रेमेंडस विल पावर एंड रीशेप इट इट एज इट वेर लंप ऑफ क्ले मेकिंग इट थिंक एज ही विश्ड. क्योंकि उन्हें कह रहे हैं ये तो पागल में समझता था, पागल कैसे मेरा तरह लड़का, इनका इतना एक सशक्त मन है, बहुत समझदार मन है, मैं तो इतना कभी भी मेरा अपना के दुर्बल नहीं सोचता हूँ, कैसे मेरे के कोई somebody is molding something in clay, सो मट्टी ने के कोई बना रहे मूर्ति फूर्तियाँ, वैसे ही मेरा मन के वो तैयार करे, कैसे संभव है. सो ही वॉज अगेन अगेन गेटिंग कन्फ्यूज. बट ड्यूरिंग माई फर्स्ट विजिट ही टुक मी असाइड एंड सेड सो मेनी स्ट्रेंज थिंग्स, नाउ आई कैन बिलीव देम टू बी ट्रू or to be anything other than an eccentric outburst. Because I couldn't determine the cause of the wonderful experience I have just described, I could come to no firm conclusion about this person who was as pure and simple as a child. From a boyhood, I have always used observation, investigation, reasoning, and argumentation to form an opinion about a person or a thing. But on that day, my character was dealt a terrible blow which distressed my heart. Consequently, a fierce determination arose in my mind to truly understand the nature and power of this wonderful man by any possible means. So you see, baad mein bhi aap dekhenge how Narendranath was so deeply attached to Sri Ramakrishna. Wo kehte the, main jo kuch bana sab to mera guru ki kripa se. And out of dust he can create lakhs of Vivekanandas. So you know, Sri Ramakrishna jante the, Sri Ramakrishna har ek ka ek hi tarah ek hi dawai nahi dete the. Whatever is necessary for different persons, he would treat them differently. He saw Narendranath was such a great aadhar, itni bade aadhar dekha ki to sahaj se apna tarah lena kichna itna sahaj nahi, samajh liya. So he wanted to give him a very strong dosage of direct spiritual experience. स्वामी जी तैयार भी नहीं थे इतना पहले लेने का, फिर भी जबरदस्ती ठाकुर ने उनको दिखाया. सो दैट यू नो ही बिकम्स कम्प्लीटली अंडर हिज कंट्रोल इन नो टाइम. लेकिन उनके साधारण से बातें करके समझा के करना ठाकुर का भी बहुत मुश्किल होता था. बिकॉज नरेंद्रनाथ वॉज ऑफ सच ए शार्प इंटेलेक्ट,
कभी भी कहाँ भी डिबेट में कहाँ किसी के साथ तर्क में जाते तो पहले तो 2-4 मिनट के अंदर समझ लेते थे वो क्या बोलना चाहते हैं, तुरंत अपना डिफेंस शुरू कर देते कि से बिफोर द पर्सन फिनिशेस ही वुड स्टार्ट हिज आर्ग्यूमेंट्स टू डिफीट द अदर पर्सन. सो श्री रामकृष्ण ये साधारण पद्धति में करते थे, परहैप्स शुड हैव टेकन मोर टाइम. सो इमीडिएटली ही वॉन्टेड टू ब्रेक हिज रेसिस्टेंस इवन इन द फर्स्ट और सेकेंड मीटिंग. इसीलिए बाद में फिर भी स्वामी जी उनकी परीक्षा किया. आप तो जानते हैं कैसे वो एक कुल्हाड़ भी एक कॉइन भी रखा था, लेकिन ग्रांटिंग ऑल दैट स्टिल इवन विद इन द फर्स्ट और सेकेंड विजिट स्वामी जी वॉज गिवन सच अ स्पिरिचुअल पुश और इतनी गहराई से कुछ उनके दिया था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रियली इवन ट्राई टू एस्टिमेट हु श्री रामकृष्ण हुआ. साधारण यू वुड ऑलवेज से वो ऐसे 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 करके, बट इन द केस ऑफ ठाकुर he couldn't even form any opinion because whatever he had studied and understood was hamesha tark karte the acche se pad lete the and he was keeping the pace on his own intellect and will power he would judge. lekin yahan dekhne is sab idhar udhar kya bullet palat ho ja raha hai. he was not able to find any rhyme or reason for the type of experience that he was having but phir bhi usme kya hai koi kshati nahi pahuncha. इतना अच्छा लग रहा था. ही वॉज फीलिंग सो डिफरेंट. ही वॉज कम्प्लीटली ही वॉज फीलिंग एन एक्सपेंडेड पर्सनैलिटी. बट फिर भी ही वॉज नॉट एबल टू कम टू एनी कंक्लूशन अबाउट श्री रामकृष्ण. दस वॉज माई माइंड ऑक्यूपाइड एंड वेरियस थाट्स एंड रेजोल्यूशंस थ्रू आउट द डे. आफ्टर द लास्ट इंसिडेंट द मास्टर बिकेम क्वाइट अ डिफरेंट पर्सन. ही बिगैन टू फीड मी एज लविंगली एज ही हैड ड्यूरिंग माई फर्स्ट विजिट एंड ही ट्रीटेड मी एज अ as cordially as if he had known me for a long time. So, इसके बाद फिर श्री रामकृष्ण स्वाभाविक अवस्था में वापस आ गए. पहले बार जैसे किया था वैसे उनको खिलाने लगा, बहुत अच्छे अच्छे बातें करने लगा and he started showing him tremendous love and affection as he did during the first visit. So, by feeding and entertaining me, talking or relative after long separation but feeling and entertaining me, talking to me and making jokes with me didn't seem to satisfy him. His affectionate behavior created a good deal of anxiety to me. As the day was coming to a close, I asked leave to go. This seemed to make him very unhappy, and as on the previous occasion he demanded a promise, say that you'll come back soon. So on that day I promised as before and then returned home. तो धीरे जब समय होने लगा, जब उन्हें बुलाने में अभी मेरा घर जाना है, तुरंत श्री राम से बहुत दुखी होके, नहीं तुमको अभी भी बोलना है, तुम जल्द जल्दी फिर आओगे तब मैं छोड़ूंगा. सो किसी तरह बोल बोल के हाँ हाँ जल्द जल्दी आ जाऊँगा करके वहाँ से निकल गए. हाउ लॉन्ग इट वॉज बिफोर नरेंद्र रिटर्न. आफ्टर एग्जाम एंटरिंग द मास्टर्स मिरेकल encountering most miraculous power, Nandinath had an intense desire to know him, as it seems it must not have been long before he came back to the action. abhi to apna marzi se turant wapas aana chahte the, kyun thakur kya hai wo samajhna chahte the. teesri baar bhi kuch prayas kare, main savdhan rahunga, unka pakad rahunga, sab unka pata chalega, hum sabko pata chalega. so I think he had kept that third visit deliberately. He wanted to come as quickly as possible. His eagerness must have brought him back to the master as soon as he was able. Because he was attending college, the third visit possibly took place on a weekend. When Narendra wanted to investigate something, he lost all interest in food, sleep or relaxation. He would take no rest until he had mastered the situation. So quite naturally he was extremely anxious to understand the master. It is certain that during the third visit Narendra was extremely cautious and very much on his guard lest he fall under a hypnotic spell as before. But what happened was inconceivable. We shall now present what the master Narendra told us about it. So teesri baar jab aaya, pehle man mein bahut ek drid sankalp siddhant leke aaya, main kisi tarah prabhavit nahi hone dunga, mera man ke
मैं बहुत सावधान रहूँगा, देख लूँगा इस बार। लेकिन फिर आया जो हुआ वो तो एक बड़े कहानी है। ठाकुर और स्वामी जी दोनों तरफ से उन्होंने सुना, मास्टर इन्वाइटेड नरेंद्रा फॉर अ वॉक इन जादू मल्लिक्स गार्डन। वो जादू मल्लिक की बागीचा में ले गए क्योंकि वहाँ उस दिन कोई नहीं था, क्योंकि दक्षिणेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए थे, इसलिए एक एकांत जगह में उनको ले गए। जादू मल्लिक नहीं रहने में भी ठाकुर की पहले परमिशन था वहाँ जाने के लिए, और नरेंद्रनाथ के भी साथ भी ले गया। सडनली टस्ट हिम जस्ट एज ही डिड ऑन द प्रीवियस ओकेशन, ऑल्दो नरेंद्र वॉज ऑन हिज गार्ड, was completely overwhelmed by that powerful touch. This time he completely became unconscious. और दूसरी बार कम से कम वो चिल्लाने लगा, मेरा माता पिता है। तीसरी बार फिर उनको मूर्छा अवस्था हो गया, he completely lost consciousness, वो संज्ञा भी उनकी खो गए। देन क्या हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं है। जब देखा अंत में जब उनके यही वापस आया सोच और कॉन्शियसनेस ज्ञान, देन देख रहे हैं श्री रामकृष्ण ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं धीरे 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 उसके आश्वस्त कर रहे हैं, इतने ही तक उन्होंने देखा। ही सॉ मास्टर पासिंग हिज हैंड ओवर हिज चेस्ट एंड स्माइलिंग एट हिम स्वीटली एंड जेंटली। नरेंद्रनाथ डिड नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट व्हाट ही एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज आउटर कॉन्शियसनेस। बाहर के ये सब ज्ञान उन्होंने हराया, उस समय क्या हुआ था उनका भी पता नहीं था। बट we thought that he did not tell us about it because it was a secret, but one day in the course of conversation the master told us what had happened during that period, and we realized that Narendra had no memory yet. Unhone jab Sri Ramakrishna Dev se suna un log ko pata chala Narendra sachmuch hum log se chupaya nahi, लेकिन उनका अपना खुद कोई समझ नहीं था उसमें क्या हुआ, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन श्री रामकृष्ण देव के इन लोग पूछ के जान लिए उस दिन क्या घटा। सो ही सेज द मास्टर टोल्ड अस दैट डे आफ्टर नरेंद्र लॉस्ट कॉन्शियसनेस ऑफ हिज करंट इनकार्नेशन, आई आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस सच एज हु ही रियली वॉज, व्हेन ही हैड कम फ्रॉम, why he had come, how long he would stay in the world, and so forth. He entered his innermost being and found the correct answers to my questions. So unhone bahut kuch pucha Narendra ke wahi avastha pe, tum kon hai, kahan se aaya ho, kitne din rahoge, kya tumhari karna, bahut kuch puch liya tha. Narendra bhi जवाब देते थे लेकिन अभी याद नहीं था उनको, दैट ही हैड ऑलरेडी रिप्लाइड टू ठाकुर, बट ठाकुर फाउंड दैट एवरीथिंग वाज करेक्ट। ही एंटर्ड हिज इनर मोस्ट बीइंग एंड फाउंड द करेक्ट आंसर्स टू माय क्वेश्चंस। दीज आंसर्स रिवील्ड दोस थिंग्स, बट आई कैन टेल यू दिस, वन डे ऑन द डे ही बिकम्स नोज हु ही इज, he will no longer remain in this world. With a strong effort of will, he will immediately give up his body through the power of yoga. Narendranath is a great and perfect in meditation. So unhone kaha us din bahut kuch unko pooch ke Sri Ramakrishna ne wo samajh liya, he wanted him to really serve the devotees and this and that way, but then उन्होंने कहा दैट ऐसा उन्होंने किया, इससे उनके पता चला दैट ही इज वन डे, जब उनको पता चलेगा वो कौन है उस समय से उन्होंने तुरंत इस धरती से निकल जाएंगे, जाते पहले बहुत कुछ ऐसा ऐसा करके ही विल डू ऑल दैट एंड देन रिटर्न बाय स्ट्रांग एफर्ट ऑफ विल ही विल इमीडिएटली गिव अप हिज बॉडी दो थ्रू द पावर ऑफ योगा। नरेंद्र इज अ ग्रेट सोल, परफेक्ट इन मेडिटेशन। उन्होंने कहा इसीलिए उनके कहता था ध्यान में इतना प्यार इतना लगन, सो पहले इस तो दति भी भटक रहे हैं, लेकिन जब उनको पता चला वो कौन है कहाँ से आए, कज ना बीनो श्री रामकृष्ण उससे दिवस वन ऑफ द ऋषिज सिटिंग इन द सप्तर्षि मंडला, वही ध्यान मग्न अवस्था से श्री रामकृष्ण एक शिशु रूप धारण करके पूर्ण ब्रह्म में एक स्वरूप लेके धरती पे आ रहे हैं,
आते समय वो बुलाया ये ऋषि को भी, सप्तर्षि के अंदर एक ऋषि थे, आप भी आ जाइए मेरे साथ. सो ही न्यू दैट यू नो श्री रामकृष्ण केम डाउन फॉर द ही हिमसेल्फ न्यू ही केम द पर्पस एंड ही ऑल्सो ब्रॉट नरेंद्रनाथ अलॉन्ग विथ हिम. बट देन इट वॉज आफ्टर द थर्ड विजिट इट वॉज अगेन ओनली द सेम कन्फ्यूजन एंड ही क्लियरली सेड दैट द वे द डे ही न्यू हिज रियल नेचर ही विल नॉट stay in this world and he would really give up his body in yoga or meditation because he was a dhyana siddha. Later the master described to us one of his earlier visions concerning Narendra. Ab to jante the kaise unke man dheere dheere bahut uchi jagah pe akash mein chale gaye, samadhi mein ek roshni ek pat pakad ke बहुत दूर ऊपर जाके वहाँ उन्होंने तो देखा ये सप्तर्षि मंडल का दर्शन हुआ और सात ऋषि बैठे थे परब्रह्म रूप. वो एक अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म एक दिव्य शिशु रूप धारण करके आ रहे थे. आते समय वो एक ऋषि के गले पकड़ के बलाया मैं जा रहा हूँ तुम्हारे भी जाना है. ऋषि का ध्यान भंग हुआ, वो सिर्फ वही बच्चे की तरह देख रहे थे. बाद में उन्होंने पता चला श्री रामदेव के वो शिशु स्वयं उन्होंने थे और वो ऋषि नरेंद्रनाथ थे. नरेंद्रनाथ वॉज अ ऋषि एंड ही वॉज दैट. नरेंद्रनाथ वॉज कंप्लीटली डम्फाउंडेड इन द इन्फ्लुएंस द मास्टर्स डिवाइन पर पुट हिम अंडर द सेम हिप्नोटिक स्पेल फॉर अ सेकेंड टाइम. ही डीपली फेल्ट द इनसिग्निफिकेंस ऑफ हिज मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल पावर कंपेयर टू दिस अनसरपासेबल डिवाइन पावर. सो इसलिए ये भी इसलिए श्रामकृष्ण मैंने कहा था उनकी अलग अलग शिष्य के जैसे जैसे आधार वैसे वो शिक्षा देते थे. ही न्यू दैट नरेंद्रनाथ के नॉट बी कॉन्कर्ड सो इजीली क्योंकि वो जानते थे श्री रामकृष्ण देव के पास भी समय कमी था. आई थिंक इट वाज 1982 और 83 वो तीन चार साल के अंदर तो जाने वाले थे. सो उसके अंदर कैसे इतना बड़ा एक शक्तिशाली मन के कैसे अपनी तरह कैसे ले जा सकता है, हाउ ही कुड रियली टेक सच अ ब्रिलियंट माइंड टू हिज साइड. ही न्यू दैट समथिंग सुपरनैचुरल हैज टू बी डन इवन एट द बिगिनिंग. पहले ऐसा कुछ एक दिव्यता कुछ दिखाना चाहिए. इसी से वो बहुत प्रभावित होके थक जाएंगे. देन स्लोली स्लोली ही कैन बी मोल्डेड, ही कैन बी अलाउड टू आर्ग्यू, ही कैन बी अलाउड टू फाइंड आउट. लेकिन ये पहले जो उनकी जो इन्फ्लुएंस हुआ, आई थिंक दैट वॉज द थिंग दैट रियली टर्न नरेंद्रनाथ अराउंड. बिकॉज लेटर ऑन ही आर्ग्यूड एंड दिस एंड दैट टिल द एंड ही वॉज आर्ग्यूइंग. अंतिम में ये भी पूछा अभी वो नहीं बताएंगे कौन है. इट ऑल हैपेंड लेटर बट द इनिशियल थिंग द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पहला धक्कन उन्होंने दिया था. दैट वॉज सुपर नेचुरल पावर एंड दैट रियली ब्रोक नरेंद्रनाथ रेसिस्टेंस. उसमें ऐसा टूटा उनका ही कुड नेवर अगेन गो बैक टू हिज ओल्ड स्टेप. अदरवाइज इट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर नरेंद्रनाथ टू एक्सेप्ट रामकृष्ण एंड बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन स्प्रेडिंग हिज मैसेज. सो दैट इज वाई द डिवाइन पावर पुट हिम अंडर द सेम हिप्नोटिक स्पेल फॉर अ सेकेंड टाइम. He deeply felt the insignificance of his mental and intellectual power compared to his unsurpassable divine power. Normally, you know, this is the problem with people, as I told you earlier. Latu Maharashtra bahut sahaj mein Bhagwan darshan hua tha. But Narendranath had to struggle hard samadhi ke liye. Kyun? Itna shaktishali man, itni tark karne ka kshamata, samajhne ka, vichar karne ka. He was such a strong mind with terrible very strong powers of discrimination and to reason and argue. For such a mind to accept anything else, it is very difficult unless it is at the realm of the spirit. Because you see, normally you see in this world many people, you know, in spite of their inadequacy in terms of their life, purity, morality, etc. मान लीजिए आप भी तो कितनी जगह पे देख रहे हैं, we need so many people. अपना खुद जीवन तो बहुत ही बर्बाद है, कुछ नहीं है. बट दे हैव सच पावर्स ऑफ रीजनिंग, सच पावर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, दे विल साइलेंस एनी बडी. सो यू नो इन द केस ऑफ नरेंद्रनाथ ऑल्सो ऑल्दो ही वॉज एक्सेप्शनल आधार, इसके साथ उनका जो समझने का, विचार करने का, तर्क करने का, ऑल दिस वर सो इक्वली पावरफुल, एनी बडी वुड बी, नो वन वुड डेयर टू टॉक टू नरेंद्रनाथ लाइक दैट. बाद में भी सब जब वो कुछ बोलने शुरू करेंगे तो सबको चुप रहना ही पड़ता था. So Sri Ramakrishna knew that only way to break this resistance and completely bring him around is by applying supreme spiritual power. Aisa kuch adhyatmik shakti ka kuch baan prayog karna tha,
उसी से वो जानते थे उनका सब रेसिस्टेंट सब टूट जाएगा कंप्लीटली शैटर्ड हिम सो दैट देन ही कुड स्लोली मोल्ड हिम दैट्स व्हाई श्रीरामानंद कहा ही वाज मोल्डिंग माय माइंड एज इफ समबडी वाज मोल्डिंग क्ले एंड मेकिंग फिगर्स आउट ऑफ इट सो इन्होंने पहले तोड़ फोड़ के देन धीरे 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 कि अपना तरह ले आने के लिए कोशिश आरंभ किया सो ही सेज बट वी कैन नॉट से दिस एनकाउंटर ब्रॉट हिम टू अंडरस्टैंड the meaning and significance of what the master had told him previously during the first visit. He felt that the master had been an extraordinarily great soul and endowed with divine power and that he could at will drive the mind of a person like him to a higher path. Itna to unhone samajh liya, ye sadharan vyakti nahi hai, inki itna adhyatmik shakti hai. Jab chahte hain kisi ko, अपना के साथ वही रास्ता पे वही आध्यात्मिक वही रास्ता पे ले चलने का क्षमता है इनका ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट बिकॉज द मास्टर्स विल वॉज कंप्लीटली आइडेंटिफाइड विद दैट ऑफ गॉड ही वुड नॉट हैव द डिजायर टू रेज एनीवन्स माइंड टू ए हायर रियल्म बिकॉज ए पर्सन मस्ट वर्क थ्रू हिज और हर ओन कर्मा नैन्ना वॉज देयरफॉर फॉर्चुनेट टू रिसीव सच अनसॉलिसिटेड ग्रेस फ्रॉम द ग्रेट सोल तो ये भी ठीक है श्री रामकृष्ण खुद इतने बड़े साधक थे वो भगवान की इच्छा के साथ उनका भी एक हो गया था सो इसीलिए ही वुड नॉट जस्ट लाइक दैट यूज दैट पावर टू लिफ्ट एक्स एंड वाई पीपल क्योंकि अपना अपना कर्म के अनुसार अपना संस्कार के अनुसार कर्म फल के अनुसार ही करेंगे सो यू नो दैट इज वाई ग्रेट पीपल डोंट जस्ट लाइक दैट डोंट कम्प्लीटली चेंज एनीबडीज पाथ लाइक दैट वही रास्ता के अंदर धीरे धीरे कैसे समझा के ले जाएंगे दैट इज द रियल ब्यूटी ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पिरिचुअल जायंट ना दे एक व्यक्ति किसी को लायक नहीं है उसकी अचानक उठा के ऐसे ऐसे जगह पे ले जाएगा इट डजेंट हैपन लाइक दैट नॉर्मली नो दे आर टेकन अलोंग द पाथ दैट इज सुटेबल फॉर देम लेकिन ऐसा ऐसा समझाते रहते हैं ऐसा सहायता करेंगे वो व्यक्ति अपना कर्म के अनुसार ही जाएगा लेकिन देर विल बी एन एडेड कम्फर्ट और द एडेड हेल्प of a realized soul. But then not so in his case, it was something very extraordinary. Out of turn, he was shown, he was given extraordinary visions or powers or glimpses of great spiritual life. So Nainath was forced to come to this conclusion and he had to adapt many of his former ideas accordingly. So pehle to bahut kuch unke samajhta, sab abhi badalna pada. Previously he had been strongly against accepting a man who like himself was weak and short-sighted as a guru. Pehle koi vyakti ke, manushya vyakti ke manna, unka bahut hi mushkil tha. Wo jante the, mera andar bhi aisa kuch durbal kuch hai, soch, vichar mein kuch galat hai, main kaise dusri, mera tarah koi vyakti ke kaise main maan lo. So he was always hesitating. But here he found there was a, even in a manushya sharir mein bhi, aisa vyakti ho sakta hai, उसके अंदर कोई गलत नहीं कोई कमती नहीं है कोई क्षमता कि किसी तरह कोई देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ स्पिरिचुअल पावर और ग्रेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस सो ही थॉट दैट प्रीवियसली ही नेवर थॉट इट वाज पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू पसेस सच पावर्स कैसे संभव है मनुष्य मात्र में तो मेरा तरह उनके अंदर भी कुछ कम कुछ होगा कुछ शॉर्टेज शॉर्टकमिंग कुछ प्रॉब्लम दिक्कत थी बट लेकिन हियर ही सॉ ही वाज कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सनैलिटी So it is possible to accept a human guru with superhuman powers, who was guru or a guide to the spiritual world and carrying out all his instructions without question. This attitude had been strengthened considerably when he joined the Brahma Samaj, but the last two occasions dealt terrible blows to his beliefs. So in the Brahma Samaj, we have said guru for ki baat mante bhi nahi the, sochte bhi nahi, because they never believed even in a god with form. What to speak of an avatar coming down on earth in a human form. कोई भगवान की रूप और मूर्ति नहीं मानते थे तो अवतार की मानना तो दूरी बात है सो नरेंद्रनाथ वाज ऑल्सो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस दैट वे लेकिन पिछले दो बार उनकी जो अनुभव हुआ उसी से पूरा उनकी पहले जो ज्ञान पहले जो सोच था बहुत कुछ उसका इलेट बुलेट पर हो गया हिल गया सो ही वॉज नॉट श्योर ही रियलाइज दैट ऑन रेयर ओकेशन सम ग्रेट सोल्स आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड whose extraordinary renunciation, austerities, love and purity surpass what the limited minds of ordinary people conceive of as God. Sadhana, hum log ka bhagwan ke bare mein kya soch hai, kya vichar hai? So, kehte na ek
how does the animals to aap koi kutta ke bare mein, wo to mera sa hazar gun koi bada koi ho sakta hai, kutta ho sakta hai. So we all think with all our limitation, somebody 100 times that power or 1000 times that power. Lekin a manushya sharir mein rahke beyond human limitations koi ho sakta hai, to normally that idea never comes. But he found that it is possible. Aisa tyag, aisa prem, aisa tapasya, aisa pavitrata, aisab sambhav hai. So Narendranath did in fact agree to accept the master as his guru, but at that time declined to accept all of his words indiscriminately. Jaise bhi unka maan liya bhi unka shreshtata unke guru ke roop mein bhi, lekin phir bhi jo bol rahe hain sab abhi nahi manunga, dheere dheere sab main jaanch karke pata karke maan sakta hu. Because of his experiences in past lives, Narendranath had a belief from his boyhood onward that one cannot realize God without renunciation. For that reason, although he was a member of Brahma Samaj, he had no desire to attend his meetings concerning marriage reform. Narendranath's inclination towards renunciation now increased tremendously as he observed the all-renouncing master and realized how extraordinary was the power he wielded. So Narendranath to sab to abhi to hum log bhi jante hain pehle se unka kaise aadhar the. Sri Ramakrishna used to compare him to that huma pakshi, o dharti aate aate o aankh kholega o turant upar chala jayega, kisi ne dharti se kisi sparsh nahi kar sakta hai aisa pakshi ka. So similarly, you know, Narendranath was like that. But that is why, you know, he was, even while being a member of Brahma Samaj, कि सब उनके सब कार्य में सब एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते थे. सब वो इस शादी फादी के लिए दे वर वेरी बिजी रिफॉर्मिंग, यू नो, बिकॉज फॉलोइंग राजा रामोहन रॉय. सो दे वर बिजी, यू नो, अबाउट दिस चाइल्ड विडो री मैरिज एक्सेट्रा. बट नरेंद्रनाथ वॉज नेवर बॉदर्ड बाई ऑल दैट. उस समय वो सब जब ध्यान में अपना विचार में त्याग में इस सब में ही वॉज बिजी विथ ऑल दैट. सो श्री रामकृष्ण देखने के बाद फिर पता चला भगवान दर्शन करने के लिए ऐसा त्याग ऐसा पवित्रता बहुत जरूरी है. सो ही क्लियरली अंडरस्टूड दैट अगेन एंड अगेन दैट इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड ऑल दिस वैल्यूज इन वन्स लाइफ. एट दिस टाइम ओनली वन थिंग ग्रेटली कंसर्न नरेंद्र अपॉन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ सच पावरफुल एंड ग्रेट सोल. One usually either believes that person's words without evaluating them fully, or indeed without testing them at all. He resolved to protect himself from that by any mean. Sadhana aise koi bade kuch shaktishali vyakti ke sath parichay ya mulaqat hone mein sadharan log kya karte the, apna vichar sab chhod dete the. Immediately they become so attracted and they completely accept the other person without testing or without any reasoning. इसमें क्या है, कोई दूसरा तरह सामान्य भी कुछ होगा तो सब विश्वास टूट जाएगा. But Narendranath was very careful. मैं देख रहा हूँ फिर भी I will examine everything before accepting. For that he resolved to protect himself from that by any means. For that reason, although the last two meetings had awakened in Narendra a love and respect for the master, he decided not to accept anything that the master said about him, his visions and experiences, without experiencing them himself and examining them carefully, even if this incurred the master's displeasure. इसलिए उन्होंने सोचा वो जो भी बोलने दीजिए, लेकिन मैं जब तक खुद अनुभव नहीं करूँगा मैं ये सब किसी तरह नहीं मानूंगा. उस रामकृष्ण भी उनका पसंद हो ना पसंद ना हो, doesn't matter. But on the contrary, Sri Ramakrishna would always encourage. आप तो जानते हैं कैसे वो एक कॉइन रखा था उनके बिस्तरा के नीचे जब वो नहीं थे. He came back and he was really writhing in pain. सबको क्या हो रहा है, अंत में कोई वो बिस्तरा उठा के they were trying to dust it. Then नीचे से वो कॉइन निकाला. But Sri Ramakrishna was not unhappy. इसने अच्छा किया तुम साधु के दिन में देखो रात में देखो तब पता चला साधु कैसा है. So he was not unhappy at all. So Narendra was also ready to test him. Sri Ramakrishna was also ready to subject himself to test. Dono tarah
गुरु शिष्य दोनों ही ये मेथड मान लिया, एक पद्धति मान लिया, सो इट वॉज वेरी ईजी. सो ऑन वन हैंड ही ऑनेस्टली केप्ट हिज माइंड ओपन टू रिसीव द नॉवल एंड हिदर टू अननोन ट्रूथ्स ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ऑन द अदर हैंड ही एंगेज हिमसेल्फ फ्रॉम देन ऑन सब्जेक्टिंग द मास्टर्स विजन्स एंड हिज बिहेवियर टू रिग्रेस टेस्टिंग. एक तरह तो नया नया जो अनुभव मिल रहा है इसके बारे में सोचा भी नहीं है, वो तो सब लेने के लिए तैयार थे, लेकिन दूसरी तरह हमेशा श्री रामकृष्ण देव का सब विजन्स बातें उन्होंने जो बोलते थे सबको कैसे मैं परीक्षा करके लूँगा, वही उसमें भी वो तैयार थे. नरेंद्रनाथ कीन इंटेलेक्ट रिवील टू हिम दैट द वर्ड्स स्पोकन बाय द मास्टर ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट व्हिच हैड लेड हिम टू कंसीडर द मास्टर मोनोमेनियक कुड ओनली फॉर be understood as meaningful if he believed that the master was an avatar. But how could his truth-seeking and rational mind admit this so quickly? उन्हें समझ लिया है ठाकुर जो जो कहा उनके बारे में ये सब संभव है, सत्य हो सकता है जब मैं श्री रामकृष्ण की अवतार मानूँ. क्यों? तो उन तो अपना खुद जीवन में वो देख रहे हैं, उनके बारे में तो वो नहीं जानते थे. वो देखते हैं उनमें तो विश्वनाथ दत्त के लड़का है, आई एम इन अ फैमिली विथ ऑल दैट, मेरा ये सब है. ही वॉज ऑलवेज अवेयर ऑफ हिज ह्यूमन साइड, ह्यूमन वीकनेस और वॉट एवर इट इज एसोसिएट विद द बॉडी. लेकिन इन्होंने कह रहे हैं तुम नर ऋषि नारायण इत्यादि इत्यादि, मैं कैसे समझ लूँ ये सब? हाउ इज इट पॉसिबल अनलेस ही एक्सेप्ट रामकृष्ण हिमसेल्फ एज सच एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर और अवतार. एक अवतार भी नहीं मानते थे ब्रह्म समाज में, सो यहाँ भी दिक्कत आ रहा था. सो हाउ टू सॉल्व दिस रिडल एंड रैशनल माइंड admit that if God ever gave him the ability to understand those words of master, he would consider them at that time. Sri unne kaha abhi main isme rakh dunga, jab bhagwan mere ko aisa kuch kshamata de ye sab samajhne ke liye theek tarike se, then I will again consider this. For the time being it's not possible. So without forming any further opinion, he devoted himself to learning from the master and discussing with him how to be blessed with God realization. So उन्होंने तो पहले श्रीरामकृष्ण में इसके बारे में तो आया था भगवान के कैसे दर्शन करें, कैसे संभव. सो इसलिए वही शिक्षा में वो प्रशिक्षण में वो लग गए, लेकिन श्रीरामकृष्ण जो बताते थे विशेष तो नरेंद्रनाथ के बारे में उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान नहीं दिया, अभी मानने का भी वो तैयार नहीं थे. इन ए पावरफुल माइंड रिप्लेसेस एन ओल्ड आइडिया विथ ए न्यू वन, it faces strong resistance from within. Nath now encountered this situation. Although he realized the wonderful power of master, Nath could not accept him completely. And although he was attracted to the master, he tried to stay away from him. We shall find out later what happened as a result of these efforts. So, वैसे ही तो बहुत ही शक्तिशाली मन, लेकिन रामकृष्ण उसको ऐसे ही हिला दिया. ना ही वॉस इन अ डायलेमा, पूरा मान भी नहीं सकते हैं, नहीं छोड़ भी नहीं सकते हैं. सो इज नॉट एबल टू गिव अप एंड इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट कम्प्लीटली. इसलिए उन्होंने धीरे धीरे थोड़ा दूर रहने लगा, लेट अस सी वेदर आई कैन कम्प्लीटली टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, थोड़ा सोच के विचार करके बाद में मान लो. सो यू नो इट वॉज अ पीरियड ऑफ ट्रांसिशन, एक परिवर्तन की समय. सो ही हैड हिज ओन ओल्ड स्ट्रांग आइडियाज, ही वॉज अ ब्रिलियंट पर्सन. वही अवस्था से श्रीरामकृष्ण के साथ ये दूसरी तीसरी साक्षात्कार के अंदर ऐसा उनका परिवर्तन मन का आया था. इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन फॉर अ स्ट्रांग माइंडेड पर्सन लाइक नरेंद्रनाथ टू एक्सेप्ट. नॉट ओनली दैट, यू नो इन अ शॉर्ट टाइम ऐसे ही उन्होंने सबको किया, इवन इन द केस ऑफ मास्टर मैश, ऑल्दो ही माइट नॉट बी सच अ पावरफुल पर्सनैलिटी लाइक नरेंद्र, उनके बारे में क्या एक बार दो बार तीसरा विजिट के अंदर. इनफैक्ट यू नो श्री रामकृष्ण हुमसेवर ही वॉन्टेड टू अट्रैक्ट इन ए वेरी बिग वे, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में प्रभाव जो फैलना चाहते थे. देन इन देयर केस ही वुड ऑलवेज यू नो इवन इन द सेकेंड और थर्ड विजिट इट वॉज वेरी स्ट्रांग. सी महेंद्रनाथ को तो एक ना फर्स्ट ना सेकेंड विजिट के अंदर दूसरी बार ऐसा कर दिया, उनके साथ कभी भी मैं तर्क में नहीं जाऊँगा, आई शैल नेवर अगेन आर्ग्यू, क्योंकि एक बार दो बार तीन बार ऐसा थोड़ा ऐसा आघात दिया. And he gave him such blows, he dhakkan,
He decided that I shall never again argue because it's impossible to argue. Again, जो बोलने रहे तो सोचा था मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ. I have studied, I am an headmaster. वही ध्यान से वो बोलने रहे क्या ए बी क्या दो कैसे हो सकता है. But every time, you know, he was given such a terrible blow, immediately reconciled. नहीं, that was the last time that Master Mahasaya argued with Sri Ramakrishna. We have seen. But then ऐसा नहीं है. From the very next day, he was completely changed. उनका मन में बहुत ही doubts आया था. He had several doubts, संशय. Again, again, you'd ask what would happen, what is the way for householders. But over a period of time, slowly he evolved. तो बहुत साल बच्चे भी थे. After that, he was almost till 1932 or 33 he lived. That means almost about 45-46 years after Sri Ramakrishna. So उनके बारे में धीरे धीरे आया. But you know, Narendranath himself was in great hurry like Sri Ramakrishna. So इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करना पड़ा. So Sri Ramakrishna gave him even a stronger dose of spiritual transformation. ऐसा धक्कन दिया एक दो दो बार के अंदर. Narendranath was completely in a, as if all these screws have been removed, and then he was floating, so to say. धीरे 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 दो तीन साल के अंदर कैसे परिवर्तन आएगा उनके जीवन में. I think probably in the next chapter onwards, we shall slowly see. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sri Ramakrishna Arpanamastu.